G. Good morning, ninth class. It's our lecture number 18 today. Hope you have done your previous day's work. That is unit number 7, uh, vocabulary part A, B, C, and D, that is of uh, abbreviations. So, today we are going to start the Urdu translation of unit number 7, Sultan Ahmad Masjid. You are well aware of the vocabulary. And you know the meaning of the difficult words now. So it would be easy to translate the text into Urdu. Right? I have provided you the Urdu meanings of these difficult words. Right? Practice the Urdu Imla and learn the Urdu translation of unit number seven. Is that clear? So let's start from paragraph number one. Right? This is unit number seven. सुल्तान अहमद मस्जिद द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मानूमेंट्स इन द वल्ड सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की इम्प्रेसिव मीन्ताकन मोनमेंट्स मीन् यादगारों में से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मानूमेंट्स इन द वल्ड सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की मुतासर कन यादगारों में से एक है इट इज़ also नोन नोन का मतलब जानना या पहचानना ये जानी जाती है या ये पहचानी जाती है एज द ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद के तौर पर बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स बिकॉज़ का मतलब की वजह से ऑफ़ द ब्लू टाइल्स नीली टाइलों की वजह से दैट embellish embellish मीन्स डेकोरेट सजाना इट्स इंटीरियर इंटीरियर मीन्स अंदरूनी हिस्सा मस्जिद का अंदरून राइट बिकॉज ऑफ़ द ब्लू टाइल्स नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरून को सजाती हैं राइट right? ये नीली मस्जिद के नाम से जानी जाती है उन नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरून को सजाती हैं राइट right? या ये नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरून को सजाती हैं नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है सिचुएटेड इन इस्तंब इस्तुल में वाक़ द लार्जस्ट सिटी इन टर्की जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड द कैपिटल और दारुल दारकूमत है ऑफ़ ऑटोमन उस्मानिया एम्पायर सल्तनत का और सल्तनत उस्मानिया का दारुल दारकूमत रहा फ्राम फोरटीन फिफ्टी थ्री टू नाइनटीन टवेंटी थ्री चौदह सौ तिरपन से उन्नीस सौ तेईस तक राइट right? इस्तम में वाक इस्तोल में वाक़ जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर और सल्तनत उस्मानिया का चौदह सौ तिरपन से उन्नीस सौ तेईस तक दारकूमत रहा इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इट हैज़ बिकम ये बन चुकी है द मोस्ट पॉपुलर सबसे मकबूल टूरिस्ट सयाहों की अट्रैक्शन तोह का मरकज़ ये सबसे मकबूल सयाहों की तोज्जो का मरकज़ बन चुकी है Hope the translation of first paragraph is very clear to you. Practice the Urdu Imla. Imla is somewhat different to a uh, difficult to write of this unit, and this unit is really very, very important for the examination point of view, right? Board exams may, uh, there are often uh, the paragraphs, uh, there are often given the paragraphs of this lesson, right? So

तो ये अहमद अव्वल के दौर हुकूमत के दौरान 1609 से 1616 के दरमियान तामीर की गई राइट right? उर्दू जुमले की तरतीब का आप ख्याल रखेंगे राइट right? और तरतीब से जुमला लिखेंगे तो ही ट्रांसलेशन सही कंसिडर होगी एज़ वॉज़ द कस्टम जैसा कि रिवाज था दिस मस्जिद ये मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ़ द टाइम उस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह कम्प्राइज़ मुश्तमिल थी अ टॉम ऑफ द फाउंडर फाउंडर का मतलब उसके बनाने वाला या उसके बानी तो बानी के मकबरे पर अ मदरसा एक मदरसे पर एन अ हॉस्पिस हॉस्पिस मीनस इन एक मुसाफिर खाना एक सराय राइट right? जैसा कि रिवाज था उस वक्त की उस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी बानी के मकबरे एक मदरसे और एक मुसाफर खाने या एक सराय पर मुश्तमिल थी नाउ दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ दिज टू पैराग्राफ्स राइट